Hi guys, how are you? Hope fine. Today I'm going to discuss about crop production, class 8, science group, chapter 1, crop production. ठीक, तो introduction देखते हैं. Crop production means production of plants for food. ठीक, मतलब प्लांट को ग्रो कराएंगे भोजन के लिए. लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन. कैन यू थिंक ऑफ अ डे और टू विदाउट फूड? क्या तुम सोच सकते हो एक दिन या दो दिन बिना भोजन के? तो ये पॉसिबल नहीं है. बिना भोजन के हम एक दिन भी या दो दिन भी नहीं रह सकते. ठीक, हैव यू एवर थॉट वेयर दिस फूड कम्स फ्रॉम? क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जो भोजन है कहाँ से आते हैं? All the food items that we eat come from plants and animals. मतलब जितने भी food items हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आते हैं? Plants से आते हैं या फिर animals से आते हैं. You have learned earlier about green plants which synthesize their food by the process of photosynthesis. तुम लोगों ने पहले earlier classes में पढ़ा होगा कि जो green plants होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन को बनाते हैं. किसके थ्रू? Photosynthesis. एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू. Photosynthesis में क्या होता है? जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में लीव्स में क्या करते हैं? भोजन को सिंथेसाइज करते हैं. ठीक, एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन कैन नॉट मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ्स. और जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, इंक्लूडिंग मैन, तो मैन भी क्या है? जानवर है. वो भी अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं. ठीक, तो हम भी अपना भोजन अपने से बना नहीं सकते. इसके लिए हम किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट पे. दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स. तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. यू मस्ट हैव रीड अबाउट द अर्ली मैन इन योर हिस्ट्री बुक्स. तो तुम लोगों ने अपने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा अर्ली मैन के बारे में. ठीक, प्रिमेटिव मैन वॉज बेसिकली अ नोमैड. जो प्रिमेटिव मैन थे वो क्या थे? नोमैड. नोमैड का मतलब ये होता है कि जिसके पास कोई परमानेंट घर ना हो, वो एक जगह से दूसरे जगह खाने की तलाश में निकल जाते हैं. ठीक, जिसके पास परमानेंट घर ना हो उसको बोलते हैं नोमैड. ठीक, प्रिमिटिव मैन वाज बेसिकली ए नोमैड एंड ए गैदरर ऑफ फूड. जो प्रिमिटिव मैन थे, पहले जमाने के आदमी जो थे वो क्या करते थे? नोमैड थे और गैदरर ऑफ फूड, और भोजन को इकट्ठा करते थे. ही यूज टू गैदर सीड्स. वो क्या क्या गैदर करते थे? सीड्स को गैदर करते थे, बेरीज, लीव्स, एडिबल रूट्स, नट्स एंड फ्रूट ऑफ विल्ड प्लांट्स. तो वो ये सब चीजों को क्या करते थे? गैदर करते थे. सीड बीए को गैदर करते थे, बेरीज को करते थे, लीव्स पत्तियों को करते थे, एडिबल रूट मतलब ऐसी जड़ें जो खाने योग्य होते थे. ठीक, उसको भी करते थे. नट्स एंड फ्रूट्स ऑफ विल्ड प्लांट्स, और प्लांट के जो विल्ड प्लांट्स होते थे उनके भी फ्रूट फल को भी क्या करते थे? इकट्ठा करते थे. ही ऑल्सो हंटेड स्मॉल एनिमल्स फॉर फूड यूजिंग स्टोन टूल्स. और वो क्या करते थे? छोटे जानवर को शिकार करते थे. हंटिंग मतलब शिकार करते थे. किसके थ्रू? स्टोन टूल्स, पत्थर का औजार बना लेते थे, उसी से वो क्या करते थे? उनका शिकार करते थे. प्रिमेटिव मैन सडनली ऑब्जर्व दैट सीड्स ऑन फॉलिंग अपॉन द सॉइल स्टार्ट जर्मिनेटिंग एंड ग्रोइंग टू प्लांट्स. तो प्रिमेटिव मैन ने अचानक से ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट के सीड्स होते थे, अगर सीड्स होते तो अगर वो जमीन पे गिरते थे तो क्या करने लगते थे? जर्मिनेट करने लगते थे, मतलब ग्रो करने लगते थे, और उनमें एक नया प्लांट ग्रो करता था. दिस गेव हिम द आइडिया ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट टू ऑब्टेन फूड. और इसी से उनको आइडिया मिला कल्टीवेशन ऑफ प्लांट टू ऑब्टेन फूड, प्लांट को उगाना और उससे भोजन प्राप्त करना. अगेन ही फाउंड दैट वाटर वाज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, सो ही सेटल्ड Again, he found that water was essential for the growth of plants, so he settled near water bodies like river, lake, etc. ठीक, आगे चलकर उनको पता चला कि वाटर भी बहुत जरूरी है. किसके लिए? ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए. तो इसलिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा कहाँ सेटल होते थे? नदी के किनारे या फिर तालाब के किनारे रहते थे. Thus from a food gatherer, man became a food producer. फिर इसी के थ्रू जो मैन थे, जो फूड गैदर करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे, अब वो क्या हो गए? फूड प्रोड्यूसर, मतलब भोजन को खुद से बनाने लगे. ठीक, मतलब प्लांट ग्रो कराते थे और उस प्लांट से जो भोजन मिलता था. ठीक, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया था फूड प्रोड्यूसर.
दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इसी को बोलते हैं क्या, खेती करने की बिगनिंग स्टार्ट हो गई। दिस हैपेंड अराउंड 10,000 ईयर्स एगो, ये कब स्टार्ट हुआ, 10,000 साल पहले। ठीक, तो ज़्यादा साल बीता नहीं है, 10,000 साल पहले की बात है। इट इज इजियर टू गेट फूड फॉर अ फ्यू पर्सन, बट इफ यू हैव टू प्रोवाइड फूड फॉर द पीपुल ऑफ होल कंट्री, वी विल हैव टू ग्रो इट ऑन अ लार्ज स्केल। तो अब इसमें बोल रहा है कि ये बहुत ही आसान है अगर हमको कुछ लोगों के लिए भोजन गैदर करना है, इकट्ठा करना है, लेकिन अगर पूरे देश के लिए हमको भोजन की फूड इकट्ठा करना है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, बहुत ही भारी मात्रा में फूड को प्रोड्यूस करना होगा। हेंस रेगुलर प्रोडक्शन, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको पूरे कंट्री को सप्लाई करना है या फिर पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करना है भोजन, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, मतलब रेगुलर खेती करनी होगी, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट और एकदम सिस्टमेटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप करना होगा। एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज वेरी इम्पोर्टेंट, और फूड को क्या करना चाहिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ये नहीं कि किसी कंट्री में ज़्यादा भोजन दे दे, किसी कंट्री में भोजन को सप्लाई ना करे। ठीक, और उसका फूड को स्टोर भी करना होगा अच्छे से, ताकि फूड जो भोजन है वो खराब ना हो। ठीक, तो आते हैं टॉपिक्स पे, वाटर क्रॉप प्लांट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप प्लांट्स विच आर ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी फॉर फूड, तो क्रॉप वो प्लांट होते हैं जिनको हम लोग भारी मात्रा में उगाते हैं, किसके लिए, भोजन के लिए। सीरियल वर द फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप, तो सीरियल क्या थे, फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप थे। बट नॉट अबाउट 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन फॉर फूड, लेकिन 100 तरह के प्लांट को हम लोग ग्रो नहीं करते थे, किसके लिए, फूड के लिए। सीरियल्स आर टाल ग्रासेस, सीरियल्स क्या होते थे, टाल ग्रासेस लंबी लंबी घासें होती थी, विच आर कल्टिवेटेड फॉर द न्यूट्रिएंट सीड्स कॉल्ड ग्रेन्स, जिसको हम लोग किसके लिए कल्टिवेट करते थे, उसके अंदर से न्यूट्रिशनल सीड मिलता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं। दे प्रोवाइड द फूड फॉर पीपुल इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये क्या करते थे, जो ग्रेन्स होते थे लगभग एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में लोगों को ये भोजन प्रोवाइड कराते थे। ग्रेन्स आर रिच इन स्टार्च एंड ऑल्सो कंटेन प्रोटीन विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर्स, तो जो ग्रेन्स थे उनमें क्या होता था, रिच अमाउंट में स्टार्च था, प्रोटीन था, विटामिन था, मिनरल था एंड फाइबर भी रहता है। वीट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल्स, तो वीट क्या है, जो गेहूं होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल है। द वर्ल्ड फॉलोड बाय राइस एंड मेज, सम ऑफ द कॉमन क्रॉप प्लांट्स आर लिस्टेड बिलो, तो उसमें से वीट भी था, पूरे वर्ल्ड सीरियल मतलब वीट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल। ठीक, द वर्ल्ड फॉलोड बाय राइस एंड मेज, और राइस और मेज को भी फॉलो करते थे। ठीक, सम क्रॉप प्लांट्स दे रखा है, इसको देख लेते हैं क्या दे रखा है, सीरियल्स है, सीरियल्स में देखो क्या क्या आएंगे, वीट आएंगे, राइस, बैरले, कॉर्न, रगी आएगा, पल्सेज में ग्राम, टी, बीन आएगा, रूट क्रॉप में क्या आएंगे, स्वीट पोटैटो। ठीक, ट्यूबर क्रॉप में पोटैटो, टेपियोका आएगा, ऑयल सीड्स में मस्टार्ड, ग्राउंड सनफ्लावर आएगा, शुगर क्रॉप में शुगर केन, बीट रूट आएगा, प्लांटेशन क्रॉप में कॉफी, टी, रबर, कोकोनट आएगा, फाइबर क्रॉप में जूट और कॉटन आएगा। ठीक, तो देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, कैसे हम लोग खेती की प्रैक्टिस करते हैं। ऑल द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, वो पूरे एक्टिविटीज जिस जो मतलब हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को कल्टिवेट करते हैं, खेती करते हैं, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग मतलब बोने से लेके उस कटाई तक, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यूज एट डिफरेंट स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर एज फॉलोज, तो बहुत तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दे रखा है, डिफरेंट स्टेज पर लोग उसको यूज करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दे रखा है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। द टॉप कवरिंग ऑफ अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड सॉइल, जो अर्थ का टॉप लेयर होता है जिसमें लोग प्लांट को ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉइल। सॉइल एंकर द रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू देम एंड ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द रूट्स। अब सॉइल का जो सबसे ऊपरी परत होता है, जो रूट ऑफ प्लांट्स होता है, वो क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, वाटर देता है एंड ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द रूट, और ऑक्सीजन को क्या प्रोवाइड करता है, मतलब रूट को क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन, ताकि रूट आसानी से जिंदा रह सके। द
The microbes and other organisms such as earthworm in the soil help to keep the soil aerated and make it fertile. तो जो microbes पाए जाते हैं मिट्टी में और other organisms जो होते हैं such as earthworm in the soil, वो क्या करते हैं soil को थोड़ा porous बनाते हैं, aerated, ठीक, और उसको क्या करते हैं make it fertile, और उसको उपजाऊ बना देते हैं. बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.